Good morning, students. Hope you are doing well. Today we are here with our economics topic, that is chapter 5, cost of production and concepts of revenue, part 5. We have seen many parts of this chapters, right? So in part 4, we have discussed a lot about the marginal cost, right? We have learned about marginal cost, then the interrelationship between this marginal cost and average cost, right? So we have seen many other topic, long run relationship also we have studied. So let's see the next topic which we are going to discuss today. Today's highlight points are concepts of revenue. Revenue kya hai, ab hum wo discuss karenge, right? Kuch concepts humne aage bhi shayad discuss kar liye hai aage ke part mein. Revenue kya hai, wo discuss kar liye hai. We'll study the concepts now. टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवेन्यूज के कॉन्सेप्ट है, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अदर पॉइंट इज टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट. परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में ये तीनों रिवेन्यूज कैसे वर्कआउट करते हैं, राइट, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू इन कैपिटलिस्ट मार्केट. Structure, the main objective of production is to maximize profit. अगर हम capitalist market structure की बात करें, right, तो उनका main objective production का क्या होता है, क्यों production करते हैं. अगर हम private companies को देख लेते हैं, ठीक है, हम private companies की बात करें तो उनका main objective यही होता है production करने का, कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा profit earn करें. जैसे हमने देखा है कि जितना ज्यादा production होगा, automatically हमारा fixed cost जो है वो तो same रहेगा, but हमारा cost of production कहीं ना कहीं कम होगा, है ना. So everybody tries to increase or maximize their profit by increasing their प्रोडक्शन, राइट. सो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है. देयरफॉर द कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. सो इनका कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रोडक्शन है उसका काम यही है कि कैसे प्रॉफिट बढ़ाए. देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अज्यूम सिग्निफिकेंस. तो यहां पे रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आता है. लेट्स सी हाउ. व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज हायर देन इट्स टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट्स अक्यर. And if total revenue is lower, then total losses occur. अब यहां देखो, जब total revenue of a firm is higher, अगर हम total revenue देख ले, revenue in sense we can call as a income somewhere. अगर आप accountancy में देखते हो तो revenue is treated as income, ठीक है. तो अगर हम total revenue देखे, कि अगर total revenue firm का ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि आपका खर्चा आपके इनकम से ज्यादा है तो आप लॉस में हो, राइट, क्योंकि आपको बाकी का जो ज्यादा खर्चा हुआ उसके तो पैसे कहीं से जुटाने होंगे, और आपका जो खर्चा है वो इनकम से कम है, यानी समवेयर यू आर गेनिंग प्रॉफिट, राइट. सो टोटल रिवेन्यू जब ज्यादा हो टोटल कॉस्ट से तो प्रॉफिट होता है, और जब टोटल रिवेन्यू कम हो कॉस्ट से तो लॉस होता है, ठीक है. हाउएवर व्हाइल एनालाइजिंग प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू आर यूज्ड मोर ऑफन. अब जब हम प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, खास करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को अगर हमें एनालाइज करना हो, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, जो ऑफन यूज होता है. बहुत ज्यादा हम ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू एनालाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म, ठीक है. वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू. सो लेट्स प्रोसीड नाउ कि अब ये टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू क्या है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द टोटल रिवेन्यू. बाई सेलिंग प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, मनी रिसीव्ड बाय द फर्म इज नोन एज रिवेन्यू. मैंने जो कहा आपको कि अगर मैंने कोई चीज सेल की और उस सेलिंग से मुझे जो पैसा मिला वो मेरी इनकम हो गई, वो मेरा हो गया रिवेन्यू, ठीक है. सो रिवेन्यू इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन. रिवेन्यू इज समथिंग लाइक इनकम,
आपने कुछ प्रोड्यूस्ड किया, उस यूनिट्स को आपने सेल किया, उससे जो आपको पैसा मिला तो वो हो गया आपकी इनकम. दैट इज बी कॉल्ड रेवेन्यू इन इकोनॉमिक्स, राइट. टोटल इनकम रिसीव्ड बाय फर्म्स फ्रॉम सेल इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. टोटल इनकम, जो मैंने कहा कि आपको टोटल इनकम जितनी भी मिली आपके फर्म्स में सेलिंग करने के बाद, सेल करने के बाद आपको जितना इनकम हुआ, टोटल इनकम, उसे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू. वो इज सेम एज टोटल रेवेन्यू. दीज इनकम इज नोन एज टोटल रेवेन्यू और सेल रेवेन्यू, क्योंकि वो इनकम हमारी कहाँ से आई है, वी हैव अर्नड दैट इनकम फ्रॉम सेल, सेल की वजह से इनकम हुई है, राइट. तो हम इसे क्या कहेंगे कि या तो हम उसे टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं कि दैट इज वो इनकम हुई, राइट, उसे हम टोटल रेवेन्यू भी बुला सकते हैं, या हम कह सकते हैं इनकम फ्रॉम सेल या सेल रेवेन्यू. ओके, फर्म्स टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. हर एक फर्म की टोटल इनकम दो चीज पर डिपेंड करती है, प्राइस पर यूनिट. एक यूनिट की प्राइस क्या है, एक तो इस पर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से टोटल सेल कितना, समझ में आया. पर यूनिट की प्राइस यानी अगर मैं 10 यूनिट्स बना रही हूं, ठीक है, तो 10 यूनिट्स में से एक यूनिट की कितनी प्राइस, सपोज एक यूनिट की 10 रुपए प्राइस है, राइट, तो 10 यूनिट की कितनी प्राइस हुई, 100 रुपीज, समझ में आया. तो पर प्राइस पर यूनिट वो जानना, फिर उसके हिसाब से टोटल सेल देखो कि सेल कितना हुआ. आउट ऑफ 10 यूनिट्स 5 यूनिट सेल हुए हैं, तो मेरी प्रॉफिट कितना हुआ या मेरा आज इनकम कितना हुआ, 50 रुपीज. गेटिंग. व्हेन बोथ फैक्टर्स और एनी वन फैक्टर चेंजेस द रेवेन्यू ऑफ फर्म चेंजेस. अब इन दोनों में से या तो दोनों फैक्टर या कोई भी एक फैक्टर चेंज होता है, या तो प्राइस पर यूनिट चेंज हो गई या किसी हिसाब से टोटल सेल चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए, तो इसका इफेक्ट या इसके चेंजेस रेवेन्यू में भी देखने मिलेंगे, राइट, रेवेन्यू ऑफ फर्म चेंजेस. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टोटल रेवेन्यू विद वन एग्जांपल. अब एक एग्जांपल से सीखते हैं. अ फर्म प्रोड्यूसेस पेन एंड पर यूनिट मार्केट प्राइस ऑफ पेन इज 50. एक फर्म पेन प्रोड्यूस करता है और पर यूनिट मार्केट प्राइस देखें तो मार्केट में उसकी एक पेन की कीमत है 50 रुपए एंड टोटल सेल ऑफ फर्म इज 100 यूनिट्स. एक पेन की प्राइस 50 रुपीज है और वो फर्म कितनी सेल करता है पेन, 1000 पेन्स सेल करता है, तो सॉरी 100 पेन सेल करता है, तो 100 × 50, राइट, ये तो आपको आता ही होगा मैथ्स इतना कि 1 unit 1 pen equals to 50 rupees, then 100 pens equals to how much, so हमारा आंसर होगा 5000. To find out total revenue, this formula is used, okay? चलो अब यहाँ पे देखते हैं पूरा एक फॉर्मूला बेस्ड टोटल रेवेन्यू का. टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक कमोडिटी की क्या प्राइस है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमने देखा कि हम 100 पेन सोल्ड कर रहे हैं कितने में, 50 रुपए में. एक प्राइस की, एक पेन की कीमत 50 है, तो 100 की कितनी हुई, राइट, 5000. वी गॉट द आंसर, दैट दिस इज द सेम फॉर्मूला. सो टोटल रेवेन्यू इज 5000. कितना अर्न किया हमने, आगे हमने देखा अभी 5000 अर्न किया. Q यानी यूनिट सोल्ड एंड P दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो Q हमारा 100 है, P हमारा 50 है, वी गॉट आंसर 5000. ठीक है. सो इफ द सेल यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और देर इज अ चेंज इन बोथ फैक्टर्स, देन द फर्म्स टोटल रेवेन्यू चेंजेस. अब सपोज करते हैं कि फर्म की जो सेल यूनिट है वो कमोडिटी इंक्रीज हो गई, इंस्टेड ऑफ 100 वो 110 सेल कर रहा है या 150 सेल कर रहा है, राइट, तो हमारा टोटल रेवेन्यू चेंज होगा. या फिर सेलिंग डिक्रीज हो गई, 100 के जगह वो 80 सेल कर रहा है या 60 ही पेन सेल कर रहा है, तो भी हमारा टोटल रेवेन्यू चेंज होगा. ठीक है. अब अगर प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, प्राइस 50 है, चलो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं 55 कर दी, तो हमारा टोटल रेवेन्यू 5000 नहीं होगा, कुछ और होगा, राइट. अगर प्राइस डिक्रीज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ 50 लेट्स टेक 40,
then again it will change, right? So whenever any of the terms, any of the factor, that is we can say the unit sold or the price of commodity, in dono mein ya to change aa raha hai ya kisi bhi ek mein bhi change aata hai, we found change in revenue also. ठीक है, फर्म के टोटल रेवेन्यू में भी वो चेंज वी कैन एबल टू ऑब्जर्व. ओके, चलो यहां पे टोटल रेवेन्यू क्लियर हो गया, समझ में आ गया. अब समझते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या है. वी फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू टू सेल यूनिट्स. मीन्स हम टोटल रेवेन्यू में क्या करते थे, टोटल रेवेन्यू में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, ये कितने कमोडिटी हम सेल कर रहे हैं, राइट, मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, यानी यूनिट्स सेल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 50. वो एक एग्जांपल याद रख लेते हैं, सो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. एवरेज में हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड में रख देंगे. कैसे, हम यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक एट हियर. एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू. टोटल रिवेन्यू हमारा आंसर क्या था, दैट इज 5000, राइट, अपॉन टोटल सेल. यानी सेल कितना किया हमने, 100 यूनिट सेल किया है ना. सो 5000 अपॉन 100 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 यूनिट्स, है ना. सो हमारा एवरेज रिवेन्यू एक यूनिट का कितना होता है, 50 रुपीज. व्हेन देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ कमोडिटी, ये तो 100 एंड इस तरीके से है, सो इट इज इजियर टू काउंट इट. अदरवाइज अगर फैक्ट्रीज में आप जाओ तो थाउजेंड्स में कमोडिटीज होती है, है ना, यूनिट्स होते हैं. सो पर प्राइस फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम्स, कि एक एक और कितने में बिका हमने. तो ऐसे में हम एवरेज रिवेन्यू करते हैं, कि हम इसका एवरेज निकालते हैं कि एक कमोडिटी का या एक यूनिट का प्राइस क्या होगा. ठीक है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए टोटल रिवेन्यू अपन टोटल सेल करते हैं, तो वी वुड गेट आंसर 100. अगर टोटल रिवेन्यू इज 5000 एंड टोटल सेल इज 100, तो हमारा आंसर आएगा 50 यूनिट्स, यानी एक पेन का प्राइस होगा 50 रुपीज. तो एवरेज रिवेन्यू हमारा निकला 50 रुपए. ठीक है, वही यहां समझाया है. चलो वही देखो, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, आई थिंक मैंने जो समझाया वही है. हाँ, यहाँ पे 1000 यूनिट्स कर दिया. लेट्स सी, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वन फर्म हैज सोल्ड 1000 यूनिट्स ऑफ पेन. एक फर्म 1000 यूनिट पेन सोल्ड कर रही है और उसका टोटल रेवेन्यू 50000 है. ठीक है, वो कमाई कितना कर रहा है 1000 यूनिट में से. 1000 यूनिट को अगर वो बेचती है, यानी 1000 पेन को वो सेल करती है, तो वो 50000 कमा रही है. तो एक पेन की प्राइस क्या हुई, तो 50000 डिवाइड बाय 1000, तो हमारा आंसर आएगा 50 रुपीज. तो एक पेन की प्राइस हुई 50 रुपीज. सो इट मींस रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ पेन इज 50. सो ये हमने निकाला एवरेज प्राइस. ठीक है, नॉर्मली फर्म सेल्स ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट सेम प्राइस. फर्म क्या करती है, ये नहीं करती कि भाई 1000 है तो मैं, है ना, 500 यूनिट्स 50 रुपीज में सेल करता हूँ, 500 रुपीज में सॉरी यूनिट्स 60 रुपीज में सेल करूंगा. नहीं, फर्म कभी भी ये नहीं करती. फर्म बल्क में सेल करती है, होलसेल में सेल करती है ना. सो वो होलसेल में जब सेल करती है तो फर्म्स हैव टू कीप अ प्राइस सेम फॉर ऑल द कमोडिटीज, राइट. ठीक है, अगर क्वालिटी चेंज हो रही है देन वो मैटर अलग है, बट द सेम कमोडिटी should always have the same price. वो firm का एक नियम है, retailers में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, so then average revenue is equal to price. तो average revenue क्या होगा, price के equal में ही होगा. Fine, if price and average revenue are equal, then for producer it is demand curve which is also average revenue curve for him. तो अगर price और average revenue equal हो, ठीक है, प्राइस यानी प्राइस 50 रुपीज हुई एक पेन की, एवरेज रिवेन्यू भी, क्योंकि सारे प्राइस सारी कमोडिटी के सेम है तो 50 ही होगा एवरेज रिवेन्यू. अगर दोनों इक्वल है तो प्रोड्यूसर के लिए डिमांड कर्व ही एवरेज रिवेन्यू कर्व होगा. ठीक है, डिमांड कर्व एंड एवरेज रिवेन्यू कर्व इज वन एंड सेम इफ प्राइस एंड एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल. ठीक है, डिमांड कर्व शोज ऑन डिफरेंट प्राइस हाउ मेनी कमोडिटीज
कंज्यूमर इज रेडी टू परचेस। डिमांड कर्व शो क्या करता है? डिमांड कर्व ये शो करता है कि अलग अलग प्राइस पे कितनी कॉमोडिटीज कंज्यूमर रेडी है परचेस करने में, राइट? एक कॉमोडिटी 50 रुपए की, एक 60 रुपए की, एक 70, व्हाटएवर द प्राइसेस, ठीक है? सो डिफरेंट कॉमोडिटीज की डिफरेंट प्राइसेस हैं, उस पर कंज्यूमर रेडी क्या है, कौन से परचेस करने के लिए वो रेडी है। ऑन द अदर हैंड द एवरेज रिवेन्यू कर्व शोज द एवरेज रिवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर विच द सेल ऑफ कमोडिटी। और दूसरा, अगर हम एवरेज रिवेन्यू कर्व को समझे तो एवरेज रिवेन्यू कर्व क्या शो करता है? एवरेज रिवेन्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने कितना एवरेज रिवेन्यू प्रोड्यूस किया, राइट? किससे प्रोड्यूस किया ये एवरेज रिवेन्यू? कमोडिटी के सेल से। कमोडिटी को सेल करने के बाद एवरेज रिवेन्यू कितना प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूसर का, उसे हम कहेंगे एवरेज रिवेन्यू कर्व। एवरेज रिवेन्यू कर्व ये शो करता है, ठीक है? इन शॉर्ट वी रिमेंबर दैट एवरेज रिवेन्यू बाय द एंगल ऑफ प्रोड्यूसर इज ऑलवेज प्राइस ऑफ कंज्यूमर एंगल, ठीक है? सो हमें ये समझना है कि एवरेज रिवेन्यू बाय द एंगल ऑफ प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर के एंगल से एवरेज रिवेन्यू देखे तो वो प्राइस ऑफ कंज्यूमर के एंगल से होगा, ठीक है? चलो, एवरेज रिवेन्यू भी समझ में आ गया, अब मार्जिनल रिवेन्यू समझते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू जनरली हम कैसे समझते हैं कि कोई भी एक यूनिट टोटल यूनिट में ऐड हो गई, राइट? उसकी वजह से जो चेंज आता है, एक यूनिट की वजह से जो चेंज आता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल क्या है, हमने आगे भी पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट और सब में यही होता है। लेट्स सी नाउ, द इनकम फ्रॉम पर यूनिट सेल इज एवरेज रिवेन्यू ऑफ फर्म, वेयर एज मार्जिनल रिवेन्यू इज रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ एन वन एडिशनल यूनिट। सो द मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इनकम फ्रॉम पर यूनिट सेल, एक यूनिट के सेल करने पर हमें जो इनकम मिला, यानी पेन को ही ले लेते, मैंने एक पेन सेल किया, उससे मुझे कितना रुपये मिला? 50 रुपीज। ये मेरा हो गया एवरेज रिवेन्यू, फर्म का ये एवरेज रिवेन्यू हो गया। बट मार्जिनल रिवेन्यू इज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एक ऐसा रिवेन्यू या एक ऐसा इनकम है जो सेल से ही आ रहा है, बट किससे आएगा? एक यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने की वजह से जो हमें रिवेन्यू मिला उस एक्स्ट्रा यूनिट से, वो होगा मार्जिनल यूनिट, ठीक है? या मार्जिनल रिवेन्यू, सॉरी। अब मार्जिनल रिवेन्यू आएगा तो फिर टोटल रिवेन्यू में चेंज आएगा, ठीक है? और वो चेंज किस वजह से आ रहा है? दैट इज रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि वो जो एक मार्जिनल, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट एड हुआ, उसकी वजह से टोटल रिवेन्यू में चेंज आएगा, ठीक है? लेट्स सी द एग्जांपल। फर्म रिसीव्स इनकम ऑफ 50,000 बाय सेलिंग 1,000 यूनिट्स, ये हमने आगे पढ़ लिया था, ठीक है? फर्म 50,000 इनकम, यानी 50,000 से उसने 1,000 यूनिट सेल किए, 1,000 पेन सेल किए, उससे वो 50,000 कमाया, राइट? नाउ फर्म सेल्स, अब फर्म क्या कर रहा है? 1,001 यूनिट पेन सेल कर रहा है। पहले 1,000 सेल कर रहा था, अब उसने एक यूनिट यानी एक ही पेन एक्स्ट्रा कर बना दी, गलती से बोलो या बना दी, चलो। अब फर्म का रिवेन्यू क्या हो गया? 50,000 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? 50,045 हो गया। और आई कैन से फाइव, हाँ, मींस इंक्रीज ऑफ 45 इज मार्जिनल यूनिट। तो वो एक 45 रुपीज जो एक्स्ट्रा हुआ, वो हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूनिट। तो आप तो ये सोचोगे कि भाई 50 रुपीज का एक पेन था, 45 कैसे? 50 होना चाहिए। अब सपोज एक एक्स्ट्रा हो गया है, अब वो पड़ा रहे हमारे फर्म में, राइट? उससे बेटर हम 5 रुपए कम करके भाई ये एक भी ले लो आप, राइट? सो उसे राउंड अबाउट कर दो, तो वो 5 रुपए उसने कम कर दिए। इन दैट मैनर वी कैन से, ओके, सो वी कैन से द मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू है टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? क्योंकि एक एडिशनल यूनिट को सेल किया और इसकी वजह से जो आउटपुट आया वो हो गया हमारा मार्जिनल यूनिट, राइट?
सो हियर वी एंड्स आवर लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड द मार्जिनल यूनिट. और हमने जितने भी आज सॉरी रेवेन्यूज पढ़े, राइट, वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यूज. जो हमने टोटल रेवेन्यू पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू एंड देन मार्जिनल रेवेन्यू. सो होप बहुत ईजी टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में आया हो. एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट, जो आई थिंक वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, देन आफ्टर विल कंप्लीट द लेसन 5. ओके, सो अप टिल टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.